अगर आप इजाजत दें मनिका, तो हकीमा को बुला लेती हूँ। जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा कुछ देर में। अफीफा खातून, आपका मुझ पर एक एहसान है। हरगिज़ नहीं मलिका। ऐसा ही है, उस शब अगर आप ना होती तो मैं मर चुकी होती। यह आपके लिए है। मैं कबूल नहीं कर सकती मलिका, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। ये एक अदना सा तोहफा है बस। सलामत रहे मलिका। जहांगीर, तुम भी इसके साथ थे क्या? बाबा से मिलने के लिए गई थी, जहांगीर भी वहीं था। नासली, जहांगीर को बिस्तर पर ले जाओ। फिरोजा इससे मिलना चाहती थी क्या? नहीं, फिरोजा नहीं थी वहां, बाबा के साथ हमने खाना खाया। मलिका, पाशा, इब्राहिम पाशा, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। मेरी औलाद कहाँ है? मैं जानता हूं वो जिंदा है। इसमें कोई शक नहीं कि वो जिंदा है। इतनी खूबसूरत बच्ची है कि मुझे यकीन है उसे आप बहुत चाहेंगे। मां पर गई है। कहां है वो? सिर्फ मैं जानती हूं वो जगह। फिक्र न करें, बहुत ख्याल रखा जा रहा है उसका। मलिका, आप उसे मेरे हवाले कर दें। मेरी बेटी मुझे दे दें। आपको ही दूंगी बिल्कुल, लेकिन। क्या लेकिन? उसके बदले क्या चाहती हैं आप? फिरोजा, मेहरमा सुल्तान अब तक मुझसे बात नहीं करती, वो गुस्से में है। जबकि मैं उन्हें बहुत चाहती हूं, दुख होता है। आपके सिवाय सब किसी को नहीं बता सकती, लेकिन सोचती हूं कि आप इस जहां के सुल्तान हैं। हरम में रहने वाली हर औरत आपकी खुशी के लिए सांस ले रही है, और मैं भी उनमें से एक हूं मेरे आका। मेरी ख्वाहिश है कि आपको औलाद दे सकूं मैं। हमने अपनी सब मताए दिल तुम्हें बख्श दी, दस्ते दुआ उठाकर मोहब्बत तुम्हें बख्श दी। ऐ जहां भर के जाहिदों आकिलों, हमें ना समझाओ,
हमने तुम्हें दीवानगी बख्श दी। रोजा को इस महल से निकालना चाहती हूँ, दोबारा कभी वापस नहीं आएगी, वादा करना होगा आपको। उसी वक्त अपनी बेटी से मिल सकेंगे आप। एक मासूम बच्ची है वो, उसे साजिश में आप कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? उस औरत को मेरे सर पर खजीना सुल्तान ने मुसल्लत किया है और आप भी शामिल हैं उसकी हिफाजत करने वालों में। आप खावन सोचा आका की ख्वाब गाह पर तवज्जा देने के बजाय अपने मसाइल हल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मलिका, मैंने जो कहा है बस वो करें। रोजा जाएगी और ये काम आप करेंगे। वो सरबस्ता रास के उम्र भर जिन्हें ढूंढा करें। हम जैसे कम अकल समझते हैं कि उसे ढूंढ लिया। जरा सा गाफिल हो जाने पर, मसरूफ हो जाने पर दुनिया के कामों में वो सरबस्ता रास सर उठाते हैं, जो जिंदगी और मौत से भी ज्यादा आम है। इंसान उन्हें मौजज़ा समझता है और हम उन राजों को अपने दिल में छुपाए रखते हैं। एक फूल होता है जो शाम होते ही मुरझा जाता है और जब सुबह होती है तो सूरज की किरणों से वो दोबारा खिल उठता है। दोबारा हमारे सर पर आ जाता है, उस सरबस्ता रास को सुलझाने का वक्त आ पहुंचा है। यही वो सूरत हाल है जिससे तुम्हें जल्द अज जल्द निकलना है। यानी से कैसी आवाजें हैं? कौन आ रहा है? अल्लाह अल्लाह, हेलेना है, हेलेना। Yeah.
आ गई तुम। मैं तो समझी थी कभी भी नहीं आओगी। कैसी हो? हेलेना, मेरी प्यारी बेटी। मेरी दुनिया, मेरी प्यारी बेटी। बाबा, ये क्या? तो तुम? मगर हेलेना। शहजादे मोहतरम, ये भी बाकी है मलिका। क्या है ये? आज कनीजों को तनख्वाह दी जाएगी। ठीक है। मलिका, तुम्हें बाहर निकलने से मना किया था, लेकिन तुम सारा दिन घूमती रहती हो। शहजादे बाहर चले गए हैं। दोबारा जब जाएगा तो पहले तुमसे पूछ लेगा। मालिका, वो हेलेना के साथ गए हैं। कह रहे थे कि उसके अहले खाना से मुलाकात करने जा रहा हूं। ऐसा कहां होता है? शुक्रिया। खूब सैर होकर तनावल करें शहजादे। हम माजरत चाहते हैं, पहले खबर मिलती तो हम बेहतर इंतजाम कर लेते। नहीं, कोई बात नहीं, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। आपके जेरे साया कोई परेशानी नहीं रही, हमें नवाज दिया आपने। शहजादे, हम आपकी तरफ से खबर के मुंतजर थे, कब होगा निकाह? कसम से मेरे जहन में तो था हेलेना कि शहजादे होंगे ये। तुम जहन्नुम में जाने का कह रही थी और जन्नत पे पहुंच गई। कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। नए कपड़े पहने होंगे, जवाहरात होंगे। बताओ ना हेलेना, और क्या हुआ? बताने के लिए इतना कुछ है कि। अरे बताओ ना, क्यों चुप हो? महल कैसा है? हीरों और सोने से सजा हुआ होगा ना? बताओ ना हेलेना। निकाह तो होगा ना शहजादे। मालूम है, दोस्तों दुश्मनों के आगे हम शर्मिंदा होना नहीं चाहते। आप परेशान ना हो यानी साहब, किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वो ताजर अब्बास आगा परेशान तो नहीं करता? हाँ, कभी कभार आ जाता है, देखता रहता है बाजार में, कुछ बातें करता है, लेकिन मैं नहीं सुनता, शैतान लगता है। जहां को कल शाम बुखार था, मैं उसके पास ही सो गई थी। खैर, अब ठीक है वो। अच्छा, तुम किस वक्त आए मुझे पता नहीं चला। कहां थी? इब्राहिम, मुझे फिक्र थी तुम्हारी इस वजह से। मैं अय्यूब सुल्तान के कब्रिस्तान गया था। वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने बताया था कि वहां दफन किया है मेरी बच्ची को। हाँ।
कब्र मिल गई उसकी। उस पर अब्दुल्ला की बेटी निगार लिखा हुआ था। बाद में उसे खोदने का हुक्म दिया मैंने। जिंदा है ना वो? मेरी बेटी जिंदा है। इब्राहिम क्या कह रहे हो तुम? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच के अलावा कुछ नहीं चुनूंगा मैं। मलिका, ये शादी, इस शादी में कोई रुकावट नहीं होगी रुस्तम आका। निकार से शादी करोगे? बिल्कुल, आप ही बेहतर समझती हैं मलिका। लेकिन मसला यह है कि यह मामला मेरे वकार का है। इब्राहिम पाशा और निकार की अलहदगी के बारे में हर कोई जानता है। मेरे बारे में लोग बातें बनाएंगे। छोड़ो बनाने तो बातें, वक्त गुजरने पर सब भूल जाएंगे। निकार की बच्ची भी जिंदा है। पाशा से मैंने कह दिया है, फिरोजा को भेज दो और बच्ची को ले जाओ। आज नहीं तो कल अपना सर चुका देंगे। इब्राहिम पाशा हर तरह से तलाश करवाएंगे, ढूंढ निकालेंगे उसे। किसी के भी जहन में नहीं आ सकता कि कहां छुपा के रखा है उसे, हरम में। खैर, शहजादे मुस्तफा की कोई खबर है क्या? फिलहाल नहीं है मलिका। उसके हर कदम पे नजर रखो, उसे सबकी नजरों से गिराना चाहती हूँ मैं। इब्राहिम पाशा की मौजूदगी में ये नामुमकिन है मलिका। शहजादे मुस्तफा अगर एक झील है तो इब्राहिम पाशा तेज रफ्तार नदी की तरह है। पहले हमें नदी को खत्म करना होगा, उसके बाद झील को। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कब्र खोदने का ख्याल यूं ही तो नहीं आया होगा ना इब्राहिम? अब क्या अहमियत रह गई इस बात की, बोले? हाँ, क्या खजीना, तुम ये कैसे कर सकती हो? इतना अरसा क्यों छुपाया इस बात को मुझसे? वो मेरी औलाद है, मेरा खून है, इब्राहिम पाशा की जान का टुकड़ा है वो। मुझे उसकी जान लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं ली मैंने, नहीं मार सकी। और तुम होके मेरे सामने आकर मुझसे हिसाब मांग रहे हो? ये जो कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरा गुनाह था। इसकी सजा एक मासूम को कैसे दे सकती हो? तुम्हारे जमीन ने कैसे इजाजत दी इसकी? तो मुझे क्या करना चाहिए था इब्राहिम? उसे महल लेकर आ जाती, बाद में निकाल भी आ जाती हमारे पास, हम सब सुकून से रहते, यही ना? बताओ ना मुझे। हर किस मुझे कसूरवार ना ठहराना, क्योंकि मैंने तुमसे और निगार से और उस मासूम बच्ची से रहम का बर्ताव किया, जरूरत से भी ज्यादा। इसे गली में नहीं फेंकवाया, उसका हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है, हर जरूरत पूरी की जा रही है। अगर तुम देखना चाहते हो तो अभी फौरन बता देती हूं तुम्हें वो जगह। बहुत सारे लोग होंगे अफीफा खातून, मैं सबको मधु करना चाहती हूँ, फौरन तमाम तैयारियां करवाइए। कौन कौन आएगा मलिका? सल्तनत के तमाम ओहदेदारों की बेगमात को हरम में बुलवाया है। सुम्बुल आगा तफसीली मालूमात दे देंगे आपको। मलिका वो तो नजर ही नहीं आ रहा, जरूरत के वक्त भूत की तरह गायब हो जाता है। हसीना सुल्तान भी आएंगी क्या मलिका? नहीं, मेहरमा के अलावा किसी को भी अपने पास नहीं देखना चाहती हूँ। तो फिर मैं फौरन जाके काम शुरू करता हूँ मलिका। हाँ खिराज आगा, गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शानदार दस्तखान लगवाइएगा। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, दिल लगाकर काम करूंगा अल्लाह के हुक्म से। गुस्ताखी के लिए माजरत चाहती हूँ मलिका। किस वजह से दी जा रही है ये दावत? अल्लाह की रजा से मैं एक खैराती इदारे का कयाम करना चाहती हूँ। खैरियत का वसीला हो मलिका। आमीन आमीन। तुमने तो नहीं बता दिया कहीं? अफसोस है शहजादी, मैंने कब आपके राज अफशा किए? मुझसे कब्र के मुतालिक पूछा गया तो मैंने मजबूरन बता दिया, वरना उनको शक हो जाता। मुझे नहीं मालूम था कि वो कब्र खुदवाएंगे। फिर उससे अचानक शक हो कैसे गया?
मालूम नहीं शहजादी, लेकिन अब तो जान गए हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। वो बच्ची यहां नहीं आ सकती, मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। पाशा भी उसे लेकर नहीं आएंगे, उसके रहने के लिए कोई और जगह देखेंगे। आपके घर से बिल्कुल अलग जिंदगी गुजारेंगे वो। ये सब क्या बर्दाश्त कर सकेंगी आप? कहना क्या चाहती हो तुम गुलफाम? वो महल में आ जाए, क्या ये मतलब है तुम्हारा? मैं फकत हर तरह से सोचने का कह रही हूँ आपको। आ जाओ पाशा, बोलो। खजीना सुल्तान ने जहां बच्ची को छुपाया था वो जगह देख ली, वहां पर कोई नहीं है। किसी से पूछा नहीं? पूछगछ की थी, लेकिन इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हुरम सुल्तान की इतनी माल और जायदाद है, यकीनन उनमें से किसी जगह पर है। सब जगह देखो जाकर। हुक्म दे दिया है पाशा, जरूर मालूम हो जाएगी वो जगह। आओ पाशा मोहतरम, मुझे याद किया आपने। कहाँ है? मुआज़रत चाहता हूँ पाशा, किसका पूछ रहे हैं? एक वजीर आजम की बेटी अगवा करके कैद में रखना। अच्छा, बहुत आला। अगर अपना सर अपने कांधों पर देखना चाहते हो तो बताओ मेरी औलाद कहाँ है, हकीकत बताओ। आपकी औलाद? हाय वल्लाह, मुझे कोई मालूमात नहीं इस बारे में। सुम्बुल आगा, मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या तुम? पाशा पाशा, मेरी क्या मजाल? बताओ मुझे, बोलो मेरी औलाद को आखिर कहाँ छुपा के रखा है? वल्लाह मुझे कुछ नहीं मालूम पाशा। इब्राहिम पाशा, सुम्बुल तुम हरम में जाओ। मत रखती, जाओ यहां से। आपको एक पेशकश की थी, अगर उसका कोई जवाब है तो वो मुझे बताइए। शहजादे मोहतरम, जमरुद आगा, फिरोजा खातून, फरमाइए। तुम कहां जा रहे हो ऐसे? मेहरमा सुल्तान के पास, मुझे बुलवाया था। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे अफसोस है सलीम, इंतजार करना पड़ेगा। वादा किया था, लेकिन क्यों बात नहीं करती वालिदा से? नहीं करोगी तो बता दो, मेहमद भाई से बात कर लेते हैं। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए थे? खुद ही बात कर लो। मैं जिस वक्त चाहूँ तुम दोनों को कमरे दिलवा सकती हूँ, लेकिन नहीं दिलवाऊंगी क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते और झगड़ा करते रहते हो। अलग रहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। हाँ, इसे देख देख कर तंग आ गया हूँ मैं। बियाजत सलीम, अपने कमरे में जाओ। लेकिन कमरे में जाओ मैंने कहा। शहजादे,
फिरोजा ये क्या हरकत है, चली जाओ यहाँ से। शहजादी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। हजर रईस अनकरीब इस्तांबुल पहुंच जाएंगे, ट्यूनिस को दोबारा फतह करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद अतालिया, मैं भी वहां होना चाहता हूं तशी अली। दयारे अजुम का सफर काफी तवील और थका देने वाला था शहजादे, हमें इब्तिदा से ही यह सब मालूम था, इसी वजह से आपको सल्तनत का वकील मुकर्रर किया गया। लेकिन अब हमारा रुख ईसाई दुनिया की तरफ है, राह में बहुत समंदर है, अल्लाह की रजा से बहुत जल्द घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे कुफार को, इंशाल्लाह आप इस फतह के सुर्खे लूंगे। शहजादे मोहतरम, माहे दौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। भेज दो। इजाजत दें। अगर मुझसे माफी मांगना ही हो तो फजूल में खुद को मत थकाओ। वालिदा के मुकाबले आने वालों को मैं अपना हरीफ समझती हूँ। मैं किसी के मुकाबले नहीं आई हूँ शहजादी, और आपके तो बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। इतने अरसे से आपके पास हूँ मैं, आपकी खिदमत की, एहतराम किया, आपने अपना राजदार बनाया मुझे, अपना दिल खोल कर रख दिया। मैंने भी किसी पर आशकार ना किया, आज तक बेवफाई नहीं की आपसे। आपकी खुशियों के लिए, आपकी मुस्कुराहट के लिए जो कुछ हो सका मुझसे किया मैंने, और इसलिए नहीं कि आप शहजादी हैं, आपको बहुत चाहती हूं मैं। आपने भी मुझ पे यकीन किया, मुझे चाहा बहुत, मुझे एक कनीज से ज्यादा एक दोस्त की तरह समझा, क्योंकि आपके पास हमेशा साफ दिल से आई हूं मैं। अगर ये सब खेल होता तो पहले ही आपको पता चल जाता, मुझे अब तो जान गई होंगी आप। क्या चाहते हो, सिर्फ मुझे समझें आप, ये चाहती हूं। जिस तरह आपका दिल मोहब्बत में धड़क रहा है, बिल्कुल इसी तरह मैं भी आपका से उतनी मोहब्बत करती हूं। ये आपके लिए है। ये क्या है? मनीषा से आया है, याह्या साहब की तरफ से। तुम जा सकती हो अब। शहजादी मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। तुम कनीज को उसके घर वालों के पास लेकर गए थे? जी हाँ। उसूलों के मुताबिक ये नामुनासिब है, नामुमकिन है। एक कनीज की जगह हरम है, कतन बाहर नहीं जा सकती, खासतौर पर मुझे बताए बगैर। ये मसला है तो आइंदा आपको खबर कर दूंगा। आइंदा ऐसा नहीं होगा मुस्तफा। हरम का निजाम जिससे खराब हो, मैं उसकी इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगी तुम्हें। वो कनीज मंजूर नजर होने के सबब अपनी अहमियत रखती है, मंजूर नजर होने का जो हक है वो उसे मिल चुका है, इससे ज्यादा नहीं होगा। पर हम ही किस लिए वालिदा? मुस्तफा, उस खातून का यहाँ रहना मुनासिब नहीं, उसका खानदान है, वो आजाद है। क्या मालूम कल तुमसे निकाह की तलबगार हो जाए। तलबगार तो वो है। मुझे मालूम था, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो यही होगा। फौरन वापस भेज दो उस खातून को, तुमने अपना शौक पूरा कर ही लिया होगा शायद। वालिदा। हरगिज़ नहीं मुस्तफा, निकाह का ख्याल भी मत लाना दिल में, हमारा खानदान इस बात की इजाजत नहीं दे सकता, और मैं भी नहीं दूंगी। अच्छी तरह गौर करो, बाबा की आमद से पहले ही मसला हल होना चाहिए, समझ गए ना?
कहाँ गई थी तुम? घर वालों से मिलने गई थी। सलामत रहे शहजादे, मेरा दिल नहीं तोड़ा। बाद में हम घूमने गए और ये तुम लोगों के लिए लाई हूँ। फातिमा खातून, अपने कमरे में जाओ, माहे दौरान सुल्तान न देख लें। इस खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं फिदान। हरगिज कोई बेवकूफी मत कर बैठना, शहजादे के पैदा होते ही मलिका बन जाओगी तुम। यही तो कह रही हूँ मैं। हुरम सुल्तान जब आई थी, माहे दौरा सुल्तान का भी एक शहजादा था, लेकिन क्या हुआ फिर? नतीजा सामने है। अपना मवाजना तुम किसके साथ कर रही हो? शहजादे ने तुम्हें सिर्फ माँ बनने के लिए अपने साथ रखा हुआ है। फिदान, झूठ है क्या? तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी है क्या ये समझती हो तुम? अकल से काम लो, शहजादे को छोड़ दो उनके हाल पे। चांद और सूरज जैसी शहजादी, अपने मकतूब से इस आजिज गुलाम को जिंदगी बख्श दी आपने। अगर इस वक्त अपने दिल का हाल बयान करने की जरूरत करूं तो आपको तारीकी के बारे में बताऊंगा। चांद और सूरज की रोशनी जहां नहीं पहुंचती, वहां बरसों से गहरी तारीकी है। आपको दोबारा देखने और अपने हाथों लिखी हुई वो किताब लेने के लिए जहन्नुम में चलने के लिए भी तैयार हूं। आपने मेरा हाल दरियाफ्त नहीं किया। शहजादे की तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेरे लिए यहां जिंदगी रुक सी गई है शहजादी, क्योंकि मेरा दिल इस्तांबुल में आपके साथ इसी बारिश में भीग रहा है। क्या कर रही हो? पानी। तुम्हें पानी पीना है? आगा, ये बच्ची कौन है? ये कनीसों के उस्ताद अहमद साहब की बेटी है। उनकी बीवी बीमार है, बच्ची को छोड़ने के लिए जगह नहीं है। मैंने मना भी किया था, कतई नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया, इसलिए मजबूरन रख लिया इसे। निगार, किसी को भी इसके बारे में मत बताना। अफीफा खातून को तो खबर नहीं है, अगर उन्हें भिनक पड़ गई तो फौरन तुरने लगवा देंगी। बेचारी बच्ची, चलो कोई बात नहीं, तब तक हम ख्याल रखेंगे इसका। नहीं 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 नहीं, कल चली जाएगी अपने घर। कहाँ रहती है ये? इसके लिए ढूंढ ली है एक जगह। तुम्हें हो क्या क्या है आगा? अकेली कैसे रहेगी इतनी छोटी सी बच्ची? कालफाओं में से एक इसके पास है, लगता है वो खातून सो गई है। वैसे तुम क्यों जाग रही हो इस वक्त? मुझे नींद नहीं आ रही, पता है ना कल मेरा निकाह होना है। तुम्हारा निकाह है और मेरा जनाजा पड़ा जाएगा। आगा तौबा करो, ऐसा क्या हो गया? बीच में पिस रहा हूँ निगार, एक तरफ पाशा, दूसरी तरफ खजीना सुल्तान। हाय, तुम्हें भी तो बहुत शौक है ना उरम सुल्तान की वफादारी करने का। मैं क्या करूँ अल्लाह। खैर, ले जाओ इस बेचारी बच्ची को, सो जाएगी। नाम क्या है इसका? कदर। अब जल्दी से सो जाओ कदर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो तुम भी सो जाओ। Thank you.
वजीर आजम इब्राहिम पाशा तशरीफ लाते हैं। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم کے بابرکت ناموں سے آج کا دربار شروع کرتا ہوں۔ آقا کے مطابق سلطنت عالیہ کے بیشتر قوانین کو ضرورت کے مطابق تبدیل نہیں کیا گیا اور اسی وجہ سے ہمیں بہت سی دشواریوں کا سامنا ہے۔ اس سبب کی بنا پر انہوں نے استنبول کے قاضی ابو سعود صاحب کو محصول کے قانون پر دوبارہ غور کرنے کا حکم دیا تھا۔ قاضی صاحب نے قوانین کی تشکیل نو کے لیے تجاویز بھی مرتب کی ہیں جن کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عوام الناس کے حقوق کی بھی تشکیل نو جاری ہے۔ قاضی صاحب کیا واقعی اتنی قابلیت رکھتے ہیں؟ محی الدین صاحب، عربی میں ایک مثال ہے، اصبر فنی دیر لا یصبر، یعنی تم صبر کرو وقت صبر نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم محترم، ہم سب تو صبر کر لیں گے، لیکن یہاں ترکوں کے حقوق کے دو ستون رومیلی اور اناتولیہ کی صوبے دار کی موجودگی میں قاضی صاحب کیا یہ مسائل حل کر پائیں گے؟ آقا نے یہی سب مناسب سمجھا ہے، کس میں جرات ہے کہ کوئی اعتراض کر سکے۔ ایاز پاشا کی زوجہ عائشہ خاتون۔ عائشہ خاتون، خوش آمدید، کیسی ہیں آپ؟ آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، آخر کار بہت عرصے کے بعد آپ کو دیکھنا نصیب ہوا۔ شکریہ۔ مہرماں شہزادی، اللہ آپ کو ہمیشہ رخشندہ و تابندہ رکھے۔ آمین۔ وزیر مصطفی پاشا کی زوجہ خانم خاتون۔ ملکہ، آپ سے ملاقات باعث سے فخر ہے۔ شکریہ، خوش آمدید۔ وزیر قاسم پاشا کی زوجہ دلارہ خاتون۔ خوش آمدید۔ شیخ الاسلام سعد اللہ سعدی کی زوجہ گلستان خاتون۔ خوش آمدید۔ ملکہ، نگار کے معاملے پر بھی توجہ دینی ہے، معلوم ہے نکاح ہے آج اس کا۔ ٹھیک ہے، جائیں آپ عفیفہ خاتون۔ آپ گفتگو کریں قاضی صاحب۔ علم حقوق کی تشکیلات کی صورتحال اہم ہے، یقیناً اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ محصول تو صوبے داروں کی ذمہ داری ہے، قاضی کیوں دخل دے رہے ہیں؟ قاضی صاحب صوبے دار بننا چاہتے ہیں، ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت کے نظام میں تبدیلی کرتے ہوئے تعیناتی کے منتظر قاضی اور ان کے ماتحتوں کے حقوق تسلیم کرتے ہوئے۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں قاضی صاحب؟ ہم کون سے حقوق تلفی کر رہے ہیں؟ جو ترقی کے مستحق ہیں انہیں حق ملتا ہے، آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ میں اپنی حد جانتا ہوں صوبے دار صاحب، بالکل جس طرح آپ اپنے حد آشنا ہیں۔ Thank you.
बादशाह साहिबान आपका क्या ख्याल है? बादशाह मोहतरम, सल्तनत का कदीम कानून ही मुस्तनद है। अगर ये कानून हर बादशाह तब्दील करेगा तो फितना फैलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसे। पाशा सच कहते हैं, तुर्क सल्तनत का कानून सुल्तान मेहमद खान ने ही बनाया था। मुस्तफा पाशा आप क्या कहते हैं? हमारी सल्तनत वसी तर हो चुकी है पाशा, बहुत सी कौमें शामिल हो चुकी हैं। चहार जानिब इंसाफ कायम करने के लिए इसे नई शक्ल देने की जरूरत है। कानून कदीम का ख्याल ना रखा गया तो निजाम बिगड़ जाएगा। सच कहते हैं, सच कहते हैं आस पाशा, लेकिन मरहूम सुल्तान मेहमद खान ने अपने अजदाद और बुजुर्गों के कवानीन की नई तश्कील के लिए कानून कदीम को तब्दील किया था, क्या ये भूल गए? हमें ये याद रखना चाहिए कि सल्तनत आलिया अगर आज इस सल्तनत की जगह ले चुकी है तो ये सिर्फ सुल्तान मेहमद खान की फुतूहात के सबब नहीं बल्कि सल्तनत के फैलाव की वजह से कानून का निफाज तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। हमें किस लिए बुलाया गया है, कुछ मालूम है आपको? नहीं, कुछ नहीं मालूम। कितनी हसीन औरत है। हाँ बिल्कुल, आका पर जादू करने का कहते हैं और बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ जादू करने लगती है। वालदा सुल्तान वफात पा चुकी, माहे दौरा सुल्तान भी अब यहाँ नहीं है, मैदान में अकेली रह गई हैं। आहिस्ता बोलो। आमीन। खुशामदीद, खुशामदीद। वालदा, मेरा यहाँ होना जरूरी है क्या? घबराहट हो रही है, अगर इजाजत हो तो पाए पाख चली जाऊं मैं। ये सब तरीके सीखो अच्छा रहेगा मेहरमा, तुम इस जहां के बादशाह की बेटी हो ये जहन में रखो, बागीचों में घूमने का वक्त बीत गया। बेगमात, मेरी दावत पर आप तशरीफ लाएं, इसलिए मैं फर्दन फर्दन आपकी मशकूर हूं। मुझे यकीन है आप सब इस दावत का मकसद जानना चाहती होंगी। मैं अपने नाम से एक इदारा कायम करना चाहती हूं। यह इदारा महरूम लोगों की इमदाद और मोहताज अफराद की खिदमत अंजाम देगा। आप सबकी तरफ से इस इदारे की हौसला अफजाई अहम है। कोई भी माली इमदाद दरकार नहीं, इसलिए कि सारे अखराजात मेरी जानिब से किए जाएंगे और ये तमाम काम मैं जाती हैसियत में अंजाम दूंगी। आप सबसे गुजारिश है कि इस कार्य खैर के लिए मेरा भरपूर साथ दें। अगर आप सबको ये बात कबूल है तो मुझे इस बात से बेहद मुसर्रत होगी। मलिका, ऐसे कार्य खैर के लिए आपका साथ देने पर हमें फख्र होगा। आपका शुक्रिया आयशा खातून। अगर कोई इस कार्य खैर में शामिल नहीं होना चाहता तो बता दे, क्योंकि उन्हें कायल करना चाहूंगी मैं। बहुत खूब, शुक्रिया शुक्रिया। खजीना सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। शहजादे खुशामदीद। मेरे आका, आपके हुक्म के मुताबिक अबू सऊद साहब की तजावीज दरबार के सामने पेश कर दी गई। मैं सुन रहा था पाशा। फिर तो सब गुफ्तगू मालूम हो गई होगी। मेरा फैसला है कि अबू सऊद साहब की सरबराही में नई कानूनी तश्कीलात के लिए जलालजादे के हमरा एक इदारा कायम किया जाए जो फौरन ही इन कवानीन के नफाज की कोशिशें शुरू कर दे। आपके हुक्म के मुताबिक कल फ्रांस के सफीर से मुलाकात करूंगा और उसके सामने चंद तजावीज रखूंगा। आला। और गली, आज तुम दरबार में खाली जहन लग रहे थे, यकीनन तुम्हारा ख्याल कहीं और था, कोई मसला है क्या? बताओ मुझे। तुम ठीक तो हो रम? तुमने वालिदा सुल्तान बनने का ऐलान कर दिया क्या? कार्य खैर के लिए वालिदा सुल्तान बनने की जरूरत पड़ेगी मैं जानती नहीं थी। बिल्कुल,
तुमसे आज तक कौन सी खैर मिली है किसी को? वैसे भी तुम इसको भी अपने मुफाद के लिए ही इस्तेमाल करोगी, जाहिर है। हमेशा शहद ही टपकता है आपके लबों से। और हाँ, आपका कैसे आना हुआ? कहीं निगार के निकाह के लिए तो नहीं आई आप यहाँ पर? नेक इंसान अपने जिक्र पर फौरन पहुंच जाता है। मलिका, आपको अलविदा कहने आई हूं। क्या कह सकते हैं, खैरियत का वसीला हो यह निकाह तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए कुछ तहाइफ भिजवा दिए हैं। आपका बहुत शुक्रिया मलिका। निगार खातून मुबारक हो, रुस्तम आगा के साथ खुश रहो, ये दुआ करती हूँ मैं। शुक्रिया शहजादी। निगार खातून, निगार खातून की तरफ से तुम्हें रुस्तम आगा के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। रुस्तम आगा की तरफ से निगार खातून ज़ौजियत में कबूल हैं तुम्हें? कबूल है। मुबारक हो आप लोगों को। ये पर्दा कैसा खातून, हटाओ इसे। तुमने यही चाहा, अब हम साथ हैं, अब क्या होगा? जब चाहो मुझे छोड़ सकते हो, तो एतराज नहीं होगा। क्या यही चाहती हो? नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम ये चाहते हो, क्योंकि हमारी शादी मजबूरी में हुई। लेकिन अगर ये मजबूरी ना भी होती तो मैं तुम्ही से शादी करती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। मुझे पसंद करती हो? क्यों करती हो ऐसा? तुम जानना चाहता हूं। तुम वहां सो जाना, तुम खड़े क्या सोच रहे हो इब्राहिम? मिलाए अपनी बेटी से, उसे कहां ठहरा दिया, किस जगह पर? नहीं मालूम। कैसे? मैंने जहां बताया था वहां नहीं गए क्या?
नहीं मिली, न जाने कहां है। इस्तांबुल में हर जगह देख लिया फिर भी उसका पता नहीं चला हमें। क्या कह रहे हो इब्राहिम, ऐसा कैसे हो सकता है? हूरम, उसका इससे क्या ताल्लुक? मेरी बेटी के जिंदा होने का उसी ने बताया था। वो उसके बदले फिरोजा खातून को मरवाना चाहती है। तुम अपना सरखम नहीं करोगे है ना? सागा वो रहा। खातून के अहले खाना को धमकी दी है शहजादे। उसे फिर देख लेंगे हम। जो आपका हुक्म। मारो और मारो इसे, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। रुक जाएं, क्या कर रहे हैं आप लोग? चोर है ये साहब, आज ही साथ चुके हैं हम इससे। हर दिन चोरी करती है, कोई शर्म नहीं इसे। जो कुछ भी है शर्म करें, खातून पर हाथ उठा रहे हैं आप लोग। तुम कौन हो हम सबसे पूछने वाले? किसकी रोटी चुराई थी इसने? मेरी साहब। इसे शर्फियां दी जाएं, सब अपना काम करें। अपना काम तो करेंगे, लेकिन आप कौन हैं साहब, किस खानदान से हैं? ऐ गाफिलों, सर झुका दो। हमारे सामने शहजादे मुस्तफा मोहतरम हैं। खुशामदीद शहजादे। अरे शहजादे, माफी चाहते हैं, मालूम नहीं था। सब काम करें अपना। क्या भूखी हो तुम खातून? काम क्या है तुम्हारा, कोई घर है कि नहीं? बोलो ना खातून। मैं दियाना। दियाना, तुम्हारा घर बार नहीं है क्या? कहाँ रहती हो तुम? इसका कोई नहीं शहजादे, गलियों में चोरियां करती फिरती है। मारा पीटा, प्यार से भी समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। कितनी सजाएं दे चुके हैं, इसके बाल भी काटे के शायद रुक जाए, लेकिन ये मानती ही नहीं। Ah!
जाना होगा तुम्हें यहाँ से खातून। सुना तुमने, तुम जहाँ से भी आई हो वहाँ दफा हो जाओ जल्द से जल्द, वरना इस हरम को जहन्नम बना दूंगी तुम्हारे लिए, जान ले लूंगी तुम्हारी। कोई मदद करो आगा। इब्राहिम पाशा को मेरी आमद की खबर दे दें। कैसे लगे आपको ये मुजस्मे पाशा? हरकुलिस, डायना और अपोलो, इन मुजस्मों की बहुत धूम सुन चुका हूं पाशा मोहतरम, मगर देखना आज किस्मत में लिखा था। इन मुजस्मों को काफी लोग बुत ख्याल करते हैं, आप इन्हें क्या कहेंगे काजी अबू सऊद साहब? पाशा, फिगानी के मुताबिक दुनिया में दो इब्राहिम गुजरे हैं, एक बुत शिकन था, दूसरा बुतों का परस्तार है। लगता है आप भी इन्हें बुत ही समझते हैं। ऐसा नहीं है, मैं जब तक आपको इन बुतों के आगे सजदा रेज दुआ करते नहीं देख लूं, मेरे लिए तो ये पत्थर से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। आइए बैठते हैं उस्ताद, चले भी आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। सुबह बखैर आगा, नाश्ता तैयार है, खा के चले जाना। तुम किसी को पसंद करते हो ना? नाम क्या है? बुतुमीर। 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 जी जी सही, किसी को नहीं खातून। तुमने मेरी जान बचाई थी याद है ना तुम्हें? अगर उस दिन मुझे ना बचाते तो आज ये सब कुछ ना होता। अब देखो तुम्हारी ये गलती मुसीबत बन गई तुम्हारे लिए, ये सब किस्मत का खेल है। कैसा किस्मत का खेल? इब्राहिम पाशा का खेल है ये। फातिमा खातून का कमरा तैयार करें और किसी चीज की कमी ना रहे। फिदान खातून। ये कौन है आगा, इसका यहाँ क्या काम है? तुम्हारे हवाले करने का हुक्म मिला है। मेरे अल्लाह, किसने हुक्म दिया है ये? शहजादे मोहतरम ने गली में इसको देखा, इसकी हालत पर रहम आ गया। रुको भाई खातून, कैसा जुर्म किया तुमने कि तुम्हारे बाल काट दिए गए? हमाम में ले जाएं इसे और अच्छी तरह को सुल देकर पाक करवाएं, बाद में साफ लिबास दें और खाना खिलाएं। आका ने दीवान को जब्त किया, बाद में मैंने भी मालूमात फरहम की, लेकिन सूबेदार साहिबान कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते थे। मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ पाशा। नहीं नहीं, नई तश्कीलात को कुशादा दिली से कबूल नहीं किया जाता। कभी भी किसी को बेसकून किए बगैर किसी भी सल्तनत में अमन कायम करना मुश्किल होता है। आप उनकी बातों पर बिल्कुल कान ना धरें, जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आलिम इल्म और अमल से जन्नती बनता है। अगर आलिम इल्म के मुताबिक अमल नहीं करेगा तो वो सीधा जहन्नुम में जाएगा। अपने कम आएगी के लिए माजरत खां हूं पाशा मोहतरम, आपकी गुफ्तगू सुनकर मुझे लगा
मैं आपको कितना कम जानता हूँ, मुझे इस बात पर अफसोस भी हो रहा है। ऐसा ही काजी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे आका ने कानून के निजाम की तब्दीली का हुक्म फरमा दिया है। सबसे पहले तो आप जलालजादे के हमरा एक इदारा कायम करेंगे और उसकी तनख्वाह आपको अलग से दी जाएगी। अगर मुझसे जरा बराबर भी फायदा हो सके तो ये मेरे लिए बाइस फख्र होगा पाशा मोहतरम। लेकिन ये एक तवील और पुरमुशक्कत रास्ता है। मेरे साथ कौन चलेगा इसका फैसला मैं बजाते खुद करना चाहूंगा। पाशा मोहतरम, कहो क्या बात है? फ्रांस के सफीर तशरीफ लाए हैं। ठीक है, इंतजार कराओ। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा काजी साहब, लेकिन हर चीज के बारे में मालूमात फराहम करनी होगी। ठीक है। मैंने आपके बाग की बहुत तारीफें सुनी हैं। किसी दिन आपसे मिलने आना चाहूंगा मैं। इज्जत अफजाई होगी मेरी पाशा मुहतरम, जब भी आपकी ख्वाहिश हो आप आ सकते हैं। सुना है मैंने कि फिरोजा से मिल रही हो तुम। वो खुद आई थी मेरे कमरे में, मैंने निकाल दिया उसको। हरगिज उसे अपने करीब ना होने देना। मलिका, शहजादे महमद अपनी कनीज के हमरा है। कैसे कनीज, कौन है ये? असली मुझे तो खबर नहीं कि तुमने। माफी चाहती हूँ, मैंने खुद अभी सुना है। वालिदा। मेहमत, क्या हो रहा है? कौन थी ये? ये क्लारा है, भाई पसंद करते हैं इसको। आप क्यों सवाल कर रही हैं वालिदा, कोई मसला है क्या? नहीं, मेरा बेटा जिसे भी चाहे उसे अपने साथ रख सकता है, मैं सिर्फ जानना चाहती थी आखिर मेरा बेटा कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। आपको पहले आगाह कर चुका हूँ मैं, अब मैं तिफिल नहीं रहा हूँ। एक शहजादे की हैसियत से फने हर्ब सीखने से पहले साहिब औलाद होने पर पाबंदी है, इस वजह से कनीजों के साथ कुछ एहतियात बरतनी होगी तुम्हें, और ये लाजिम है। इसके अलावा मैं जब तक जिंदा हूँ एक नाकाबले तगैर उसूल और भी है मेहमत, मेरे पास रहोगे तुम कभी मेरी नाफरमानी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए मेरी हुक्म अदूली नहीं करोगे, समझ गए क्या? ये तुम्हारे लिए भी है मेहरमा, समझ गए तुम दोनों? मेहरमा, समझ गई वालिदा। बहुत खूब, मुझे आका के पास जाना है। मतलब यूनुस से मिलने वाली फतह के बाद रोमा की शहनशाहियत को दोबारा हासिल करने के बारे में सोच रहा है। रोमा के हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ सुल्तान सुलेमान खान है, मोसियफरे इस्तांबुल जिसका है, हुक्मरान भी वही है। लेकिन वेनेदिक के हुक्मरान ने शार्कलीन से गठजोड़ कर लिया है, वो उन्हें आपके खिलाफ भड़का रहा है। हमें मालूम है बिल्कुल, कौन क्या कर रहा है जानते हैं। वेनेदिक अगर हमसे इत्तेहाद खत्म करेगा हम उन्हें दुश्मन समझेंगे अपना, और उन्हें आतिश और खून से उसका कफारा अदा करना होगा। सिसलिया, सार्डोनिया, नेपोली और स्पानिया के खिलाफ हम एक मुश्तरका तुर्क फ्रांस मार्के का आगाज कर सकते हैं। तो क्या यह सब ऑस्ट्रिया के खिलाफ नहीं होगा? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हॉब्सबर्ग की हिफाजत के लिए उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इतालिया वाले ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। मगर आपका बादशाह फ्रांसवा हमारी मदद की वजह से हिमायत हासिल कर लेगा मिलान दू क्लूनो की, और जिनीवा की हुकूमत भी हासिल कर लेगा, यही ना? फर्ज करो कि बारबरोस इतालिया के साहिल पर हमलों का आगाज करता है,
तो उस वक्त क्या करेंगे आप लोग? हमारे शाह भी शिमाली इतालिया से दाखिल होंगे और अपना हक समझकर वो सरजमीन हासिल कर लेंगे। तो फिर क्या हमारे साथ एक फौजी मुआहदा करने पर आमादा हो जाएंगे आप लोग मोसियो फोरे? अगर एक हतमी मुआहदा किया जाए, शार्कलीन ईसाई दुनिया को जितना भी हमारे खिलाफ भड़का दे, लेकिन हम एक देरपा तिजारती मुआहदा कायम कर सकते हैं। कलवुजरा की बेगमात को अपने पास मधु किया, मेरे फैसले का सबने खैर मकदम किया और ताबुन की यकीन दहानी करवाई। आला। इस इदारे के मामला चलाने के लिए एक वकील तैनात करने की जरूरत है। रुस्तमागा का सोच रही हूँ मैं, अगर आप इस बात को मुनासिब समझें। मुनासिब है रुस्तमागा, काबिलियत से अपना हर फरीजा अंजाम देता रहा। बिल्कुल, लेकिन पाशा ने उससे जान छुड़वाने के लिए निगार से शादी करवा दी। मालूम ही है, जो आपके करीब आता है उसे वो भेज देते हैं। सिकंदर चलेबी के साथ जो हुआ सब जानते हैं। अगर उसका बस चले तो मुझे भी कहीं भेज दे। होराम, खजीना सुल्तान को धोखा दिया, बाद में खुद को सुल्तान कहलवाया। शहजादे मुस्तफा के साथ उसने तख्त पर काबिज होने की कोशिश की, और पहले जो किया वो तो सब जानते ही हैं। अगर कोई और होता तो कब का सर कटवा चुका होता उसका। तुमने जो कुछ किया अगर वो कोई और करता तो क्या होता, ये कभी सोचा है तुमने? खुशखबरी है मुस्तफा बेटे, चांद जैसे एक शहजादा हुआ है। तुम कैसी हो फातिमा? आपको एक शहजादे से नवाज दिया मैंने, अब मुझे मौत का भी खौफ नहीं। क्या नाम रखना चाहते हो अपने शहजादे का? मैं नहीं वालिदा, आका रखेंगे इसका नाम। उनकी जानिब से खबर आने तक इंतजार करेंगे। ठीक सोचा है मेरे बेटे। आगा, पाए तख्त में फौरन सुल्तान सुलेमान तक की खुशखबरी पहुंचाई जाए। मेरे आका एलची मोसियो फोरे के साथ तवील मजाकरात और बहसो तमहीस हुई। आखिर इन लोगों का असल मसला क्या है? इत्तेहाद के अलावा भी और कोई तलब है इनकी? एक तिजारती मुआहदे के जरिए फौजी इत्तेहाद की हिमायत हासिल करना चाहते हैं वो लोग। क्या अपने ताजरों की हिफाजत करना चाहते हैं? बंदरगाहों तक आमद और रफ्त और महसूल से भी मुकम्मल छूट चाहते हैं। अपनी इबादत आजादाना तौर पर करना चाहते हैं। अगर कोई आदमी जुर्म करता है तो उसका फैसला हमारे काजी नहीं, उनकी अदालत करेगी। अगर कोई फ्रांसीसी मर जाता है तो उसकी तमाम मिल्कियत सफीर के हवाले की जाएगी और उनके जहाजों को भी बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। यह है उनके मुतालबात और यही सब मराहत उन्होंने अपने मुल्क में हमें भी देने का वादा किया है। तुमने क्या जवाब दिया? और यह कोई समझौता नहीं, सिर्फ हमारे आका का एक एहसान होगा तुम लोगों पर, यह कहा। मुज़ाकरात कुछ अरसे तक जारी रहेंगे। अतालिया बेआसरा हो चुका है पारगली। इस इत्तेहाद से हमें हमारे बुजुर्ग सुल्तान महमद खान की अधूरी छोड़ी हुई फतह दोबारा नसीब हो सकती है, लेकिन अहले फ्रांस के काबिल एतमाद हैं? कदर नहीं मेरे आका, लेकिन हम उनकी लगाम मजबूती से थामे रखेंगे। मेरे आका सुल्तान महमद खान जिसे फतह ना कर सके वो बलगरात और रुदोश आपने फतह किया। अतालिया को भी हासिल करते हुए रोमा की फतह को मुकम्मल करेंगे आप इंशाल्लाह। ये फतह मुबीन भी देखेंगे पारगली इंशाल्लाह। खैरियत है? मेरी पेशकश के मुताले क्या सोचा है बताइए मुझे, मैं जवाब लेने आई हूँ इसका।
ठीक है, पेशकश कबूल कर रहा हूं मैं। फिरोजा खातून इस महल से चली जाएगी जल्द, दोबारा कभी ना आने के लिए। दोबारा कभी ना आने के लिए। मुझ पर कोई इल्जाम ना लगे ऐसा तरीका इस्तेमाल करोगे पाशा। अगर मुझ पर कोई हर्फ भी आया तो फिर इस मुहैदे की खबर दे दी जाएगी आका को फौरन। मैं जो भी जरूरी समझूंगा वो तमाम इकदाम करूंगा। आप मुझे मेरी बेटी के मुतालिक बताएं। फिरोजा की रवानगी वाले दिन बेटी तुम्हारे पास होगी। फिरोजा को कभी सुना है तुमने? बहुत सहर अंगेज आवाज है इसकी और सांस भी बहुत अच्छा बजाती है। पहले मैंने ही सुना था। असल में शहजादी को सिखाया करती थी लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। क्या वाकई? मेहरमा इसे दोबारा शुरू करोगी तुम? मैं भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी लेकिन एक जहां के सुल्तान की मंजूरे नजर को उलझाना नहीं चाहती थी मैं। आ जाओ मेरे आका। कहें अफीफा खातून? एक खुशखबरी है, नए शहजादे की पैदाइश की आपके शहजादे मोहतरम की जानिब से खुशी की खबर आई है। आली तुर्क खानदान में एक और शहजादे की आमद हुई है आका। आला, फौरन तैयारियां शुरू करवाई जाए, जल्द अज जल्द मनी से रवाना होना चाहेंगे हम। वालिदा, कहाँ थी तुम? उस खातून के साथ खाना खा रही थी ना? मुझे उसके आने की खबर नहीं थी। दस्तरखान से उठ के जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा लेकिन आपके लिए अच्छी खबर लाई हूँ। मुस्तफा भाई के यहाँ शहजादा हुआ है। क्या यह है अच्छी खबर? बाबा ने फौरन तैयारी का हुक्म सादर किया है, हम सब मनीषा जाएंगे। मैं भी चलूंगा। तुम्हें छोड़ सकते हैं क्या? चलो लड़कियों, चलो चलो, रुको नहीं, अंदर चलो, जल्दी चलो, खाना लग चुका है, जल्दी चले, अंदर चले चले। रजागा। फरमाइए अफीफा खातून। आका सफर के लिए कल रवाना हो रहे हैं, तैयारियों का ख्याल तुम्हें रखना होगा। सुंबल किस दिन काम आएगा? हाँ, अपना हश्र खराब होने से पहले चुप हो जाओ। अफीफा खातून। शहजादी, मैं महल जा रही हूं। सब खैर होगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो आई थी आप। हूर जहां की तबीयत नासाज हो गई है, उसके पास जाना जरूरी है। अल्लाह रहम करे, ज्यादा तबीयत खराब नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुबह भी बुखार था उसे। फिरोजा कहां है? उसे मेरे साथ भेज दें, शायद कोई मदद कर सके वो। शहजादी, आ जाओ। पाशा मोहतरम, मुझे याद फरमाया आपने। वल्लाह मैं क्या कह सकता हूँ, दरमियान में पिस रहा हूँ। हुरम सुल्तान कहाँ है? आप लोग खाएं। फिरोजा खातून, खजीना सुल्तान ने बुलाया है तुम्हें, उनके साथ महल जा रही हो तुम। क्या हुआ, क्यों बुलवाया है मुझे? उनकी बेटी हूरजहां सुल्तान की तबीयत खराब हो गई है।
अम्मी आ गई। ठीक है आगा, चलो। कितना फासला रह गया है? कुछ ही रह गया खातून। हम कहाँ जा रहे हैं बताओ मुझे। तुम्हें मालूम नहीं? खजीना सुल्तान के महल जा रहे हैं। वो तो बहुत गरीब है, ये बताया था मुझे। खामोश रहो खातून, वहीं जा रहे हैं। कौन हो तुम और कहाँ लेके जा रहे हो बताओगे? आ जाओ। इब्राहिम पाशा। मलिका, आप कल मनीषा जा रही हैं खालिबन? हाँ, मुझे माहे द्वारा बहुत याद कर रही होगी। वक्त आने पर शहजादे महमूद भी फन हर्ब सीखने जाएंगे। अब बड़े जो हो गए, उस वक्त आपको भी अपनी औलाद के हमरा जाना होगा इसी तरह। इस फानी दुनिया में कल सुबह क्या हो जाए कौन जाने पाशा, इस बारे में शायद तुम वो दिन कभी देख ही ना सको। मुझसे जो कहा था आपने वो कर दिया है। इस वक्त बंदरगाह पर एक कश्ती फिरोजा खातून की मुंतजर खड़ी हुई है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैं सुल्तान सुलेमान की मंजूरे नजर हूँ। इसकी सजा बहुत भयानक होगी तुम सबके लिए, तुम सबके सर कट जाएंगे। फिरोजा खातून, खुश आमदी। बिलाखिर खुश नसीबी ले ही आई आपको यहाँ। सुम्बुला, हुरम सुल्तान ने मुझे बताया है कि उसने मेरी बेटी को यहाँ भेजा है। मलिका,
सिंपल आका। मलिका आपके लिए खुशखबरी है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फिरोजा खातून को कुछ देर पहले मैंने अपने हाथों से रवाना किया है कश्ती में। वो मेरे सामने मिस्र की जानिब रवाना हो चुकी हैं। शुक्र है खुदा का कि ये बला भी टल ही गया है। शुक्र है। इसका ख्याल रखने वाली खातून ने इसका नाम कदर रखा है। कदर? इब्राहिम, ये यहां नहीं रह सकती, ऐसा मुमकिन नहीं। आप क्या चाहती हैं मुझसे? मैं अपनी बेटी को उठाकर बाहर फेंक दूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। आज रात यहीं रहेगी, कल कोई जगह देख लूंगी, बल्कि किसी खानदान के पास छोड़ देंगे, जरूरत की हर चीज मुहैया कर देंगे। खजीना, ये मेरी बेटी है, ये कहां और कैसे रहेगी इसका फैसला मैं करूंगा। कोई है? मेरे आका। फौरन फिरोजा खातून को खबर दें कि यहां है। ने फिरोजा खातून से मिलने की ख्वाहिश की थी। हाँ, क्यों नहीं आई अब तक? उन्हें बड़ी उजलत में खजीना सुल्तान के महल भेजा गया है मेरे आका, क्योंकि शहजादी ने बजाते खुद बुलवाया था। क्यों बुलवाया था उसने? हूर जहां सुल्तान की तबीयत कुछ ज्यादा नासाज है, लिहाजा अपने पास बुलाना चाहा। आका जानते हैं उसके हाथ में शिफा है, हर दर्द की दवा है। मुझे क्यों नहीं खबर दी गई इस बात की? माजरत, मैंने फौरन वापस आने का कहा था, लेकिन शहजादी ने अब तक नहीं भेजा उसे। अगर आप चाहें तो फौरन लेने चली जाती हूं उसे। ये चेहरा कभी ना भूलना इब्राहिम, ये छोटी सी आंखें, ये काले बाल, ये मखमल जैसे हाथ कभी ना भूलना। ये तुम्हारे हैं, तुम्हारा अपना खून है,
ये सिर्फ तुम्हारी है, खानदान आली तुर्क से नहीं, वजीर आजम इब्राहिम पाशा मोहतरम की नहीं, माही कीर मानोलीस के बेटे बारगाली की थियोडोरस की बेटी। इसका बहुत ख्याल रखना, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करना, क्योंकि इस अजीम दुनिया में सिर्फ इसी के मालिक हो तुम। ये तुम्हारी किस्मत है इब्राहिम। मेहर माँ, क्या छुपाया है? कुछ नहीं, सामान बांध रही थी मैं तो। अब तक तैयार नहीं हुई? वक्त है अभी, कुछ हो गया है क्या? मेहमत की यह हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस कनीस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है वो। जल्द ही उसके असर से निकल जाएगा इंशाल्लाह। تم وہاں جانے کی اتنی ضد کیوں کر برویت بشتر بولے رہا لائبرا خانت میں نہیں بابا چاہتے ہیں میں بھی چلوں اور آپ فکر مند نہ ہوں سلیم اور بیازل کا خیال رکھوں گی میں ایک میرے ساتھ اور دوسرا محمد کے کمرے میں رہے گا مہر ماں تمہیں کیسے منیسا سے اتنی محبت ہو گئی وہاں کوئی ہے جس کی بہت یاد آتی ہے واقعی کون ہے وہ مصطفیٰ بھائی ज्यादा नहीं, सिर्फ एक हफ्ता कयाम होगा, उसके बाद वापस आ जाऊंगा। अगर कुछ चाहिए तो बताओ। दरअसल मैं एक चीज चाहती हूँ। बताओ। मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। तुम अपने दिल से चाहती हो ये? हाँ बिल्कुल, और वो भी सच्चे दिल से। जो कुछ मैं कहूंगा वो तुम दोहराओगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना, व अशहदु अन्ना, मुहम्मदन, मुहम्मदन, अब्दुहु, अब्दुहु, व रसूलु, व रसूलु। तुम्हारा आज के बाद से नया नाम नूर बहार होगा। नूर बहार। इजाजत दे मुझे। आप कैसे आए हैं? जाने से पहले मिलना चाहता था, मुखिल हो गए हम शायद। कैसा मुखिल होना? हाँ कहो अपनी बात। मैं भी अपने लिए कनीज चाहता हूँ, दिमाग में तो हरम बस गया है। कुछ तवज्जो अपने खौफ पर भी दो, तुम खुद को देखो। परेशान मत हो। मेरी दुनिया, मेरी प्यारी बेटी, डरो नहीं, तुम्हारे पापा तुम्हारे पास हैं।
मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी, मेरी जान, तुम्हें कोई भी जरर नहीं पहुंचा सकता। आ जाओ। अम्मी, कल शाम वाली वो लड़की कौन थी? चलें आप खाना खाएं। उस्मान, हूरे जहां यहां है। कदर से मिले आप लोग। अम्मी से मैंने अभी पूछा था, कौन है ये बाबा? कदर आपकी। इब्राहिम, फौरन बच्चों को उनके कमरे में ले जा। हर किस नहीं इब्राहिम, इसे मेरे बच्चों से दूर रखो। बच्चों को क्या बताओगे, क्या वसाहत दोगे इस रुसवाई की? और पहले कुछ खाते हैं, बाद में घूमने चलेंगे। जा रहे हो? हाँ, क्योंकि आका आज रवाना हो रहे हैं। रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं, मौसम सर्द हो गया है ना, कुछ गर्म कपड़े निकाल देती हूँ। किसी चीज की जरूरत है तो बताओ, आका दरवाजे पर हैं, कुछ भी चाहिए हो तो उन्हें बता देना। शुक्रिया आका, पर मैं आप किसी से कुछ नहीं मांग सकती। जब से ये पैदा हुई है तुम इसका ख्याल रख रही हो? रख रही हूं पाशा। आज के बाद भी तुम इसका ख्याल रखोगी रजाई मां की हैसियत से। पाशा मोहतरम, नसू अफंदी तशरीफ लाए हैं। भेज दो। पाशा, आओ नसू अफंदी, आओ आओ, मेरी बेटी से मिलो। कदर। ओह माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। आमीन आमीन। यदि कूले वाला घर तैयार करने का हुक्म दिया है, आज के बाद वहीं रहेगी। है, मैं तो समझा था यहां आपके साथ। यह मुनासिब नहीं होगा, उस घर में किसी चीज की कमी ना हो। आगा कालफा सब मुहाफिज रखो,
मेरी बेटी की आसाइश में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर वक्त नजरों के सामने रहेंगी पाशा, आप फिक्र ना करें। और काम का क्या हुआ? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फिरोजा खातून को महल में पहुंचा दिया है। नसुआ फंदी? हाँ मैं ही हूँ। तुम भी इनके साथ मिले हो क्या? मुझे अगर जरा सा भी छुआ तो। रुको रुको, मुझसे तुम्हें कोई जरर नहीं पहुंचेगा। तुम्हें लेने आया हूँ, सूरज निकलने से पहले महल पहुंचा दूंगा। कैसे? लेकिन मुझे वो सब एक खेल था और पाशा ने वो सब मजबूरन किया। कैसा खेल? क्या हुआ, आपको लगता था कि आप मुझे मेरी लाजवाब मोहब्बत से दूर कर देंगी? यही कोशिश थी ना आपकी? लेकिन आप तो हमेशा के लिए अपना यकीन खो बैठी हैं, वरना कभी भी मुझे उस कश्ती से नहीं बचवाती। क्यों, ऐसा ही है ना? तुम उस शब ही हार गई थी, उस जुमेरात की शब हार गई थी। सहर पीने की हिम्मत नहीं तुम में, बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं ये। लेकिन ऐसे बैठकर तुम्हें कबूल करने का इंतजार नहीं कर सकती। मलिका, अभी तो बहुत सी रातें हमारे सामने हैं। पहले भी तुम जैसी बहुत सी कनीजें यहां आई, बल्कि एक तो शहजादी भी थी, लेकिन चली गई, मैंने भेज दिया। बहुत जल्द तुम्हें भी भेज दूंगी मैं। अगर किसी भी दिन हरम से कभी मुझे जाना पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम पाशा ने वादा पूरा नहीं किया, धोखा दिया। क्या तुम खजीना के पास गई थी? जी हाँ, उन्होंने बुलवाया था मुझे। सलामत रहे शहजादी, जब भी यहां आती है मुझसे मिलती है और बातें करती है। क्या किसी सबब से परेशान हो तुम? बताओ मुझे। सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं।
मुस्तफा। मेरे आका, खुशामदीद, इज्जत अफजाई की आपने। खुशी हुई तुमसे मिलकर। मेहमत, अच्छा तो ये महल आपका है? बहुत शानदार महल है। मेरे आका, शहजादे खुशामदीद। ये तश्जी अली याहिया है जिनका आपसे जिक्र किया था। शहजादी खुशामदीद। शहजादे, मलिका, क्या आप मुतमईन हैं शहजादे से? हम सब बहुत ज्यादा मुतमईन हैं मेरे आका, खुदा भी मुतमईन होगा। आमीन। किस्मत में लिखा था यहां आना, कुदरत के दिल फरेब नजारे देखना। यहां आज भी लोग आपको बहुत याद करते हैं मेरे आका। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, मेरी आंखें कब से आपकी मुंतजर थीं। सरोहान की यादें ताजा करने के लिए रास्ते में पड़ाव करते रहे। कैसे होते हैं? आपके साये उल्फत में खुश हूं। आपका पिसर और पिसर ज्यादा भी ठीक है खुदा के शुक्र से। हाला, हुरम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा वाहिदौरा। मेहरमा, बहुत ही प्यारी हो गई हो तुम। आपका शुक्रिया मलिका, आप भी हमेशा की तरह प्रकशिश हैं। तो यहाँ बुदोबाश है तुम्हारी? बिल्कुल, मैं यहाँ बहुत मुतमईन हूँ। मालूम है अब एक पिसर ज्यादा भी है, एक और शहजादा तशरीफ ला चुका है। बुजुर्ग वालिदा हो गई हो ये कहो ना। यहाँ मुझे सब वालिदा सुल्तान कहते हैं। आप सबके कमरे तैयार हैं, कुछ इस्तराहत फरमा लें क्योंकि तवील सफर से आए हैं। शुक्रिया। ऐसा ही है काजी साहब, फ्रांस के सफीर से मुज़ाकरात जारी हैं। इसका सबब जो भी है पाशा मोहतरम, ये इम्तियाजी रवैया किसी सूरत में भी फायदेमंद नहीं होगा। आज हमारी सल्तनत आलिया ताकतवर है, लेकिन मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता हमारी कुव्वत कमजोर पड़ गई तो ये इम्तियाज हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। इस तमाम सूदोजियां का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। इस्तांबुल के काजी की हैसियत से आपको सिर्फ आगाह करना चाहता था, बस यही। अल्लाह ने सूरह लुकमान में फरमाया है, और किसी को हकीर जानकर अपना रुख ना फेरो, कभी भी तकब्बुर से अपना कदम ना उठाओ, क्योंकि अल्लाह ताला किब्र से चलने वाले को कतन पसंद नहीं फरमाता। बिल्कुल, मेरा ये रवैया अपनी जात के लिए नहीं, सल्तनत आलिया के लिए। आज जिस मकाम पर फाइज हूं मैं, इस्लाम की सबसे अजीम तरीन सल्तनत की नुमाइंदगी के लिए हूं। मैं किसी आम इंसान जैसा रवैया हरगिज नहीं अपना सकता। ये मकामात आरसी हैं वजीर आजम मोहतरम, एहतियात करनी चाहिए। वो जो आपका बहुत पसंदीदा एक अतालवी शायर है, क्या नाम है उसका, डांते? अतालवी शायर? जी हाँ, उस अजीम शायर का एक कौल है, जहन्नुम जाने वाले रास्ते पर नाम और नियत पत्थरों पर कंटा हूं। मेरा मकाम किसी दीवान में नहीं मिलता, उस्ताद चले भी आका के फैसलों में पाया जाता है।